आज की वीडियो में जो है एक जबरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं और इसमें दिशा और दूरी रीजनिंग ट्रिक बताएंगे। दिशा और दूरी वाला जो रीजनिंग होता है उसमें कई प्रकार के रीजनिंग पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला प्रकार का रीजनिंग आज बताएंगे और इसका एक जबरदस्त ट्रिक देंगे, जिसके सहायता से आप सेकेंड में जो है इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। चंद सेकेंड में इस प्रश्न को बिना कॉपी कलम का जो है, बिना जो है लिखे हुए हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करना है, समझते हैं इसको। सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान तो होगा ही। सबसे ऊपर जो वाला भाग होता है नक्शा में वो उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, दाहिना हाथ बगल पूरब होता है, बायां हाथ बगल पश्चिम होता है। ये आप नक्शा के बारे में जानते हैं तो इसको जानते होंगे। तो उसी तरह से आपको कॉपी में इसको बना लेना है। तो कॉपी याद रखें कि ऊपर वाला भाग उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, दायां हाथ बगल पूरब, बायां हाथ बगल पश्चिम। तो कॉपी में भी आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। ये हो गया दिशा। अब इसी से जो है सारा रीजनिंग बन जाएगा, देखिए कैसे। और इसको बनाएंगे हम पेन ट्रिक से, इस टाइप का रीजनिंग को बनाएंगे पेन ट्रिक से। पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पेन ट्रिक का जो इस्तेमाल है कहाँ कहाँ होगा। तो पेन ट्रिक का इस्तेमाल तब होगा जब आपसे सिर्फ दिशा पूछा जाएगा। जैसे इस सवाल को पढ़ने के बाद क्या पता चलता है, इसमें पूछ रहा है वह किस दिशा में जा रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ दिशा पूछ रहा है। तो अगर दिशा और दूरी वाला रीजनिंग में से अगर सवाल पूछेगा और सिर्फ दिशा पूछेगा तब आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। यहाँ भी देख सकते हैं अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो सिर्फ दिशा हमसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे ट्रिक अप्लाई होगा। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें पूछा अब वो किस दिशा में जा रहा है। तो अभी हम जो भी सवाल लिए हैं ये पहला टाइप का है, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टाइप की चर्चा करेंगे। तो ये दिशा पूछ रहा है, इसमें भी किस दिशा में उन्मुख है, मतलब बात वही हुआ कि किस दिशा में उसका मुंह है। तो दिशा सिर्फ पूछा जा रहा है, तो याद रखे कि जब भी सिर्फ दिशा पूछा जाएगा तब आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। ट्रिक क्या है, ट्रिक का नाम है पेन ट्रिक। तो ये पेन ट्रिक क्या होता है चलिए देखते हैं, सीखते हैं इसको। और जबरदस्त ट्रिक है पेन ट्रिक जो है, पेन से बनाना है इस सवाल को। अब पेन से बनाना, लेकिन पेन के कवर को नहीं खोलना, बंद रहेगा और बन जाएगा। कैसे बनेगा, सबसे पहले सवाल को देखिए, ये शुरू करते हैं। ए किसी स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ए कोई भी है, चलिए सबसे पहले क्या करता है, किसी स्थान चलता है तो हम यहाँ पे रखेंगे कलम को, किधर जा रहा है उस दिशा में रखेंगे। तो कहाँ जा रहा है, उत्तर की दिशा में, तो उत्तर की दिशा में जा रहा है। देखिए एक चीज पहले जान लीजिए कि अगर ये घड़ी हो गया, घड़ी में इधर से रहता है, तो अगर कहेगा दाएं मुड़ने के लिए, दाएं मुड़ने कहेगा तो आपको जैसे घड़ी का सुई घूमता है उस दिशा में घूमना है, घड़ी की सुई की दिशा में घूमना है, तब दाएं कहेगा। तब अगर बाएं कहेगा तो आपको उल्टा घूमना है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है। याद हो गया, दाएं कहेगा तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे, अब बाएं कहेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में। विपरीत का मतलब घड़ी का सुई के उल्टा घूमना है, घड़ी के सुई के उल्टा दिशा में घूमना है। समझ में आ गया होगा, चलिए देखते हैं। तो क्या कहा, पहले 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यहाँ पे कलम रखते हैं और ये उत्तर की ओर जाता है। तो उत्तर की ओर जा रहे हैं, चलना नहीं कहीं, बस कलम को रखना है उत्तर दिशा में। फिर कहता फिर बाएं मुड़ता है, तो अभी बताया बाएं मुड़ेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी तो सुई ऐसे घूमता है तो विपरीत घूमना है। अभी उत्तर थे, बाएं मुड़ता था आपको सीधा इसको घुमा देना है, बाएं मुड़, यानी घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में। और 3 किलोमीटर चलता है, चलना नहीं है कहीं आपको, बस कलम रखना है। फिर वो बाएं मुड़ता है तो फिर इसको घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाना है। 5 किलोमीटर चलता है, चलना नहीं कहीं, अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब किस दिशा में जा रहा है। अभी कलम का नोक किधर है, दक्षिण दिशा में है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। देखिए कुछ नहीं करना पड़ता है और आंसर निकल जाता है बस एक कलम के सहायता से, इसलिए ट्रिक का नाम है पेन ट्रिक। चलिए देखते हैं दूसरा कैसे बनेगा। मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। मोहन है दक्षिण, दक्षिण कहाँ पे है, यहाँ पे ए बिंदु, चलिए मान लीजिए कोई ए बिंदु है तो दक्षिण दिशा में जिधर कह रहा है उधर हम कलम के नोक को रखेंगे। वहां से वह बाएं मुड़कर, अभी बताए थे बाएं मुड़ेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है, यानी इधर घूमना है, घड़ी का सुई इधर से घूमेगा तो हमको उधर घूमना है, दाएं कहेगा तो घड़ी की सुई की दिशा में। अभी हम दक्षिण में थे,
अब बाएं मुड़ता है तो बाएं मुड़ेंगे इधर घड़ी के विपरीत दिशा में, 1 किलोमीटर चलता है, चलना नहीं हमको, और वह फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है तो घड़ी के विपरीत दिशा में हमको फिर घुमा देना है 1 किलोमीटर। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, अभी देख सकते हैं उसका मुंह किधर है, उत्तर दिशा की ओर। इसका आंसर निकल जाएगा उत्तर। देखिए कितना आसान, एक लड़का ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, देखिए पश्चिम यहाँ पे इधर चलना प्रारंभ किया, इधर कलम की नोक कर दीजिए, और दाई ओर मुड़ा, दाई ओर का मतलब क्या हुआ, घड़ी के सुई के दिशा में, तो इधर घूम जाएंगे, फिर वह दाई ओर मुड़ा तो घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएंगे फिर से, और अंत में बाई ओर मुड़ा तो बाई ओर मुड़ जाएंगे घड़ी के विपरीत दिशा में। बताया अब किस दिशा में जा रहा है, बताइए आप ही बताइए, उत्तर दिशा में जा रहा है। बस एक पेन की सहायता से बना सकते हैं इस तरह की। लक्ष्मी अपने घर से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है, 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में कलम को रखते हैं, फिर बाएं मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर चलती है, बाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है, इधर घूम जाएंगे, चलना नहीं हमको, 1 किलोमीटर चलते अंत में वह बाएं मुड़ जाती, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाएंगे बाएं कर रहा है तो, और स्कूल पहुंच जाती है। बताया अब किस दिशा में उन्मुख, अब किस दिशा में, दक्षिण दिशा में, निकल गया आपका। तो एक पेन की सहायता से आप इस सब रीजनिंग को बना सकते हैं, ये पहला टाइप का हमने बताया, और इसमें तब ये पेन ट्रिक काम करेगा जब सिर्फ दिशा पूछेगा, ठीक है। अब किसी प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछ देगा, मूल बिंदु से दिशा पूछेगा, तो उसके लिए अलग ट्रिक लेकर आएंगे अलग वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब।